हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। वीरवार की देर शाम को गोलीकांड में घायल हुई महिला बेबी उर्फ इंदुबाला का दिल्ली के मैक्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके महिला के दाएं तरफ पेट में लगी हुई गोली को निकाल दिया है, लेकिन महिला की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि गोली लगने का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया था और पित्त की थैली के आसपास भी इन्फेक्शन ज्यादा बताया गया है। घायल महिला के बेटे ने बताया कि डॉक्टरों ने 48 घंटे का समय दिया है और कहा है कि अभी महिला खतरे से बाहर नहीं है। 48 घंटे बीतने के बाद ही यह पता लगेगा कि महिला की हालत किस स्थिति में होगी। उनके बेटे ने बताया कि आरोपी राजेश उर्फ पोपा के साथ उनके कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिनमें से एक मामला उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को गैरकानूनी तरीके से अपने नाम करवाने का भी दर्ज है। दूसरा मामला प्लॉट से संबंधी भी है और इसी तरह से एक मामला जमीन को लेकर भी चल रहा है। इस तरह उनके 3-4 मामले आरोपी के खिलाफ चले हुए हैं। इसी बात की रंजिश को लेकर राजेश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उधर पुलिस राजेश की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हासिल नहीं हुई है। एसीपी जीत सिंह बेनीवाल का कहना है कि पुलिस की 3 टीम आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। खरखोदा के सरकारी अस्पताल के अंदर चिकित्सक और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ उनकी हड़ताल के चलते मरीजों और यहाँ पर कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी और डॉक्टर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना धरने पर बैठे चिकित्सकों द्वारा नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन तथ्य सबूत के तौर पर पेश नहीं किए जा रहे हैं। इसी आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर पूरा संज्ञान लेते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की हुई है। जहां शुक्रवार को रोगी अपनी इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचे थे, वहां पर जानपूर कर किसी न किसी कर्मचारी द्वारा वहां की लाइट काट दी गई, जिससे कि वहां ओपीडी करने वाले चिकित्सक और रोगियों को अंधेरे में बैठकर उसका इलाज करना पड़ा। इसी तरीके से एसएमओ सभी एक दूसरे पर बात टालने की बात कर रहे हैं। जहां डिप्टी सीएमओ को यह बागडोर सौंपी गई थी, उन्होंने सभी को निश्चित तौर पर आश्वस्त किया था कि शुक्रवार से मरीजों को दवाइयां मिलनी सरकारी अस्पताल से शुरू हो जाएंगी और उनके इलाज में जो टेस्ट और अन्य सुविधाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन शुक्रवार को भी न तो मरीजों को दवाइयां मिल पाई और न ही उनके टेस्ट हो पाए। अब जो भी महिला एसएमओ द्वारा डिप्टी सीएमओ के छुट्टी जाने के बाद उनको यह दायित्व सौंपा गया है, लेकिन उनको रजिस्टर, ईमेल और अन्य कोड न बताकर उनको दुविधा में डालने का काम किया जा रहा है। बाकी यह बड़ा जांच का विषय है और महिला एसएमओ ने बार बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों से यह मांग की है कि कभी मेरे ऊपर कोई वारदात ना हो जाए, इसीलिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अब उन्होंने लिखित रूप में अपने वरिष्ठ अधिकारियों और एसडीएम श्वेता सुहाग को लिखित में पत्र भेजा है, जिसके कारण यह आगे आने वाले दिनों में तय हो पाएगा कि महिला एसएमओ को पुलिस प्रोटेक्शन मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। इस तरीके से अगर इस तरह बिजली काटना या अन्य कोई बाधा उत्पन्न करना, इस तरह का कार्य कोई भी करता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि एक नैतिकता के साथ साथ दूसरे लोगों को भी परेशानी में डालने वाला विषय बन चुका है और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में यह बिल्कुल एक बहुत तेज गति के साथ जांच चल रही है। जो भी इसमें अपनी कोई अड़चन उत्पन्न करता है, उन वरिष्ठ अधिकारियों का भी यही कहना है कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रसिद्ध समाज सेवी बलराम मास्टर ने दादा गिल अखाड़े में 50 फलदार और औषधि पौधे लगाए, जिनमें अमरुद, जामुन, शुगर फ्री और तुलसी आदि थी।
इस अवसर पर मोनू, सेरा, कपिल और रोहित आदि भी साथ थे। बलराम मास्टर समय समय पर समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खेल प्रतियोगिता तथा भंडारा आदि करते रहते हैं। खरखुदा हल्का के कई गाँव में ये अपनी सेवाएँ देते रहे हैं। दादा गिल अखाड़े में फ्री योगा पीटी कराते हैं और कुश्ती सिखाते हैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।